हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ का मीठा दलिया। तो ये कटोरी में है मेरे पास दलिया। अब इसे हम घी में भूनेंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लीजिए। गैस ऑन करके उस पर कोई भी कढ़ाई, भगोनी, जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। अब हम उसके अंदर घी ऐड करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए, ये देखिए मैंने 2 स्पून घी में इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे दलिया। ये देखिए गाइस, दलिया मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने दलिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखिए गाइस, ये घी के अंदर रोस्ट हो रहा है। इसी तरह से चलाते हुए हम इसको 5-10 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आपको खुशबू आने लगेगी। इसका कलर व्हाइट से डार्क ब्राउन जैसा दिखने लगेगा। थोड़ा थोड़ा बादामी कलर, ब्राउन ब्राउनिश कलर इसका हो जाएगा। मतलब ये सिक गया है। देखिए गाइस, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ब्राउन ब्राउन अब ये दिखने लगा है। इसका मतलब है कि अब ये सिक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ये देखिए मैं अपने पानी ले लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को हम फुल कर देंगे। फुल फ्लेम करने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। अब मैंने इसको ढक दी हूँ। ये मैंने इसको ढक दिया। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, इसको 5 मिनट हो गया। एक बार देख लेते हैं अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए गाइस, इसने पानी पूरा सोख लिया है। अब ये धीरे धीरे पक रहा है। ये देखिए इस तरह से ये पकता जा रहा है। अब लेकिन अभी इसको फिर से ढकने की ज़रूरत है। इसको फिर से एक ढक कर रख देंगे और पकने देंगे। इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि नीचे लगे भी ना। फिर से एक बार देख लेते हैं अब क्या है अंदर। ये देखिए अंदर बिल्कुल इसका पानी पूरी तरह से इसने सूख लिया है और यह पक चुका है। देखिए ये मैं इस तरह से इसको हिला रही हूँ। देखिए इसका पूरा पानी सूख लिया है इसने। अब दलिया हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ जो आपके पास होता है उसको तोड़ के ऐड कर सकते हैं, या जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, या शुगर ऐड कर सकते हैं। आपकी चॉइस है। मैं यहाँ इसमें गुड़ का पाउडर यानी जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, अंदाजे से ही मैं इस पैकेट से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल दिया है। ये देखिए मैंने अब जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब इसके बाद हम फिर से एक बार इसको ढक देंगे प्लेट से। इस तरह से ढक देंगे और छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। इसे देख लेते हैं। ये देखिए जैगरी पाउडर पूरा मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जैगरी पाउडर पूरा इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। ये शुगर वाला बन जाएगा। एकदम से मीठा मीठा दलिया बनेगा। पकने के बाद अब ये बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, अब आप इसको प्लेट में लीजिए, कटोरी में लीजिए, चाहे जिस पे भी लीजिए, और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके खाइए। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा घी और ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर से घी ऐड कर लीजिए, ताकि इसके एकदम पॉलिशिंग हो जाएगी। एकदम शाइनी शाइनी सा दिखेगा ये दलिया। एकदम शाइनी शाइनी दलिया, उससे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गया है। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। गाइस मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निश, ड्राई फ्रूट्स अब मैं इसको गार्निश कर दूंगी। ये देखिए कितना डिलीशियस सा लग रहा है। आप जितना चाहे इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालिए और खाइए। आपको भी इंजॉय कीजिए गुड़ का मीठा दलिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट।